सोसाइटी फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट की एक प्रस्तुति। दौड़ प्रतियोगिता में कुछ ने पहला, दूसरा तथा तीसरा स्थान प्राप्त किया। संख्याओं का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं। पहला, मात्रा सूचक रूप में, जिसमें उस संख्या की कुल मात्रा को गिना जाता है। दूसरा, क्रम सूचक रूप में, जिसमें संख्याओं को क्रम के लिए गिना जाता है। वस्तुओं की संख्या को उनके संख्या नाम के साथ मिलाएं। बच्चों को उनके क्रम के साथ मिलाएं। संख्याओं को उनके संकेत के साथ रखें। छूटी हुई संख्याओं को उनके सही स्थान पर पहुंचाएं। जब 9 लकड़ियों में एक और लकड़ी को मिलाते हैं, तो 10 लकड़ियों का एक समूह प्राप्त होता है। 10 को 10 के रूप में व्यक्त किया जाता है। परिवेश में कई वस्तुएं ऐसी हैं जो समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे केला दर्जन में जिसमें 12 केले होते हैं, जूते या चप्पल जोड़े में होते हैं। दस लकड़ियों का एक समूह प्राप्त होता है, इसे एक दहाई कहते हैं। एक दहाई में 10 इकाइयां होती हैं। वैसे ही संख्याओं को हम 10-10 के समूह में रखते हैं।
दस दस के समूह में संख्याओं को गिनना आसान हो जाता है। दस लकड़ियों का एक समूह दस, दो समूह बीस, तीन समूह तीस और चार समूह चालीस बनाते हैं। दस लकड़ियों का पांच समूह पचास, छह समूह साठ बनाते हैं। दस दस लकड़ियों के दस समूहों से मिलकर एक सैकड़ा बनता है। सौ सौ के दस समूहों से मिलकर एक हजार बनता है। कर संख्या लिखें। हरे बॉक्स के सिब्बों को दहाई के रूप में व बाहर के सिब्बों को इकाई के रूप में गिनें। सिब्बों को गिनकर संख्या लिखें। हरे बॉक्स के सिब्बों को दहाई के रूप में व बाहर के सिब्बों को इकाई के रूप में गिनें। गिनकर संख्या लिखें। गिनकर संख्या लिखें। गिनकर संख्या लिखें। छूटी हुई संख्याओं को लिखें। दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें।
प्रस्तुति सोसाइटी फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट।